हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सपियर की अगली एक्सरसाइज विच इज़ 8th एक्सरसाइज। तो 8th एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सपियर्स। ठीक है, हाँ जी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू सपियर्स ऑफ इंटरसेक्शन। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट प्लेन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। राइट, हाँ जी, जैसे एक सफियर ये, एक सफियर ये, दे आर कटिंग एट दिस पॉइंट्स, यू कंसिडर द टेंजेंट प्लेन्स एट दिस पॉइंट्स। ठीक है, यू कंसिडर द टेंजेंट प्लेन्स एट दिस पॉइंट्स, द एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट प्लेन्स, ये जो एंगल होगा इन टेंजेंट प्लेन्स के बीच में, दिस विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सफियर्स। राइट, हाँ जी, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू सफियर्स, वट इज द फॉर्मूला। एक सफियर है आपके पास जिसका रेडियस है आर वन, एक सफियर आपके पास जिसका रेडियस है आर टू, एंड वट इज डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसका रेडियस है आर वन, इसका रेडियस है आर टू, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बस मैम 20 मिनट में ही जा रही हूँ। ठीक, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, देन वट इज कॉस ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा इज गिवन बाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स आर वन आर टू। ठीक है, सो इफ दिस इज द सफियर हुज रेडियस इज आर वन, दिस इज द सफियर हुज रेडियस इज आर टू, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देन वट इज द थीटा एंगल बिटवीन द सफियर्स, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। राइट, हाउ इज इट गिवन, इट इज गिवन बाय कोसाइन ऑफ थीटा, दैट इज आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स आर वन इंटू आर टू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑर्थोगोनल सफियर। Two spheres are said to cut orthogonally. दो spheres को हम कब बोलते हैं, that they are orthogonally cutting, when their tangent planes, when their tangent planes at the point of intersection are एट राइट एंगल। अगर जो एंगल है उनकी टेंजेंट प्लेन के बीच में एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर वो 90 डिग्री का हो जाए, देन वी से दैट टू सफियर्स आर कटिंग ऑर्थोगोनली। एंड व्हाट इज द कंडीशन टू चेक द टू सफियर्स आर कटिंग ऑर्थोगोनली, आप यहां से देख सकते हैं, अगर ये एंगल 90 का हो जाएगा, कॉस 90 विल बी जीरो, दिस मीन्स दिस इज जीरो, दैट मीन्स आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो अगर पहले रेडियस का स्क्वायर दूसरे से फेयर के रेडियस का स्क्वायर, इन दोनों का सम डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, देन वी से दैट दैट द टू सफियर्स आर कटिंग ऑर्थोगोनली। ठीक है, ये तो थी जनरल कंडीशन जब हमें डिस्टेंस पता है, सेंटर पता है, रेडियस पता है। ठीक है, तो अगर हम सेंटर और रेडियस नहीं निकालना चाहते, हमें जनरल सफियर की इक्वेशन दे रखी है, तो वहां से अगर डायरेक्टली हमें ये कंक्लूजन निकालना है कि दे आर कटिंग ऑर्थोगोनली, देन हाउ, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। टू सफियर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू वन एक्स प्लस टू वी वन वाई प्लस टू डब्ल्यू वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू टू एक्स प्लस टू वी टू वाई प्लस टू डब्ल्यू टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। दीज टू स्फीयर्स कट ऑर्थोगोनली इफ
they are cutting orthogonally if, what is the condition, 2 times u1 u2, 2 times v1 v2, 2 times w1 w2 that is equal to d1 plus d2. अगर ये जो सम है d1 plus d2 के बराबर हो जाए, then we say that two spheres are cutting orthogonally, right? ये जो एक्सरसाइज है ऑर्थोगोनलिटी वाली कंडीशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सफियर, राइट? सो हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1, इट सेज शो दैट द टू सफियर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस टू जेड प्लस डी 8 = 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस फोर जेड प्लस 20 = 0 आर ऑर्थोगोनल. ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों स्फीयर्स हैं दे आर कटिंग ऑर्थोगोनल. तो बिल्कुल सिंपल है, हमने जस्ट उस कंडीशन को वेरीफाई करना है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी को. दिस इज 2u1x + 2v1y. u1 आप देख सकते हैं दैट इज 0 बिकॉज देयर इज नो टर्म ऑफ x. v1 इज हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3 एंड w1 इज हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ z दैट इज 1. ठीक है, एंड d1 इज 8. नेक्स्ट इज u1 इज 3 हियर, v1 इज 4 हियर, W1 is 2 here and D2 is 20. ठीक है, तो what is 2U1 U2 plus 2V1 V2 plus 2W1 W2? It is equal to 2 times 0 into 3 plus 2 times 3 into 4 plus 2 times 1 into 2. ठीक है, what is this? 0 plus 24 plus 4 that is 28. ठीक है, now what is right hand side? D1 plus D2 that is also 8 plus 20 which is 28. So both are same. So condition of orthogonality is verified. Therefore the two spheres are cutting orthogonally. Right? Very simple question. Next is example number 2. It says find the equation of the sphere which touches the plane (3x) plus 2y minus z plus 2 = 0 at the point P which is 1 - 2, 1. ये जो हमें उस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस प्लेन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है एंड कट्स ऑर्थोगोनली द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 = 0. और इस स्फीयर को जो है वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, राइट? इस प्लेन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. ऐसे स्फीयर की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो ये जो स्फीयर है जिसके हमने इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इट इज कटिंग ऑर्थोगोनली दिस स्फीयर, द गिवन स्फीयर. ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 = 0. ये रिक्वायर्ड स्फीयर है. इसके बारे में एक और चीज गिवन है कि ये जो है इस प्लेन को, कौन से प्लेन को, 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 = 0, इसको टच कर रहा है किस पॉइंट पे, 1 - 2, 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, राइट? हाँ जी, सॉल्यूशन. सो लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d = 0. ठीक है, हाँ जी. नाउ इफ दिस प्लेन इज टचिंग दिस स्फीयर एट दिस पॉइंट, यू कैन ऑल्सो से दैट दिस प्लेन इज टेंजेंट प्लेन टू दिस स्फीयर एट दिस पॉइंट. ठीक है, ये जो प्लेन है ये स्फीयर का टेंजेंट प्लेन है. किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे. ठीक है, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन
टू सफियर स्टार एट पॉइंट 1 माइनस 2 1, ये हमें फॉर्मूला पता है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? xx1 मींस 1, y y1 मींस माइनस 2, z z1 इज 1, प्लस u टाइम्स x प्लस x1, v टाइम्स y प्लस y1 इज माइनस 2, w टाइम्स z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू दिस. इसको अगर हम कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लें, x का कोएफिशिएंट आएगा 1 प्लस u, y का आएगा माइनस 2 प्लस v, z का आएगा 1 प्लस w, और आगे जो कांस्टेंट टर्म बचेगी वो है u माइनस 2v प्लस w प्लस d इक्वल टू 0. ठीक है. बट एक तो ये हमने प्लेन निकाल लिया बाय फॉर्मूला, राइट? और ये जो प्लेन हमें दिया भी हुआ है, विच इज दिस प्लेन. सो दीज टू प्लेन्स, दिस प्लेन आर बोथ आर सेम प्लेन. ठीक है. सो दिस इज सपोज 1 प्लेन एंड दिस इज सपोज 2. नाउ 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम प्लेन. 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द सेम प्लेन. ठीक है. अगर दो प्लेन्स की इक्वेशन बराबर, दो प्लेन्स इक्वेशन दो दी हुई है और वो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके कोएफिशिएंट बराबर नहीं होंगे, बट रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स विल बी सेम. ठीक है. दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन वन प्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन अनदर प्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ वाई इन वन प्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ वाई इन अनदर प्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ जेड इन अनदर वन प्लेन एंड कोएफिशिएंट ऑफ जेड इन अनदर प्लेन. दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म इन वन प्लेन अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म इज दी अदर प्लेन. दैट इज सेम. ठीक है. दैट इज इक्वल टू सपोज के. ठीक है. तो इस रिलेशन को यूज करके यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ यू, वी, डब्ल्यू एंड टी इन टर्म्स ऑफ के. तो ये आ जाएगी, यू आपका आ जाएगा 3k-1 के बराबर, वी आपका आ जाएगा 2k+2 के बराबर, डब्ल्यू आपका आ जाएगा -k-1 के बराबर, डी आपका आ जाएगा 4k+6 के बराबर. ठीक है. सो यू हैव फाउंड ईच एंड एवरी कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ के, राइट? अब हमें एक कंडीशन और भी दी गई है कि ये जो सफियर है, इट इज कटिंग द टू सफियर, सेकेंड सफियर ऑर्थोगोनली. ठीक है. तो वो कंडीशन लगा सकते हैं हम. नाउ नाउ द टू सफियर्स आर कटिंग ऑर्थोगोनली, देयरफॉर टू यू, दैट इज 3k-1, यू 1 हो गया ये, यू 2 क्या है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द गिवन प्लेन, गिवन सफियर कौन सा गी? उसमें क्या है ये? -2 प्लस 2 v1 v2, v1 क्या है? 2k+2 v2, 3 प्लस 2w1 w2, w1 यहाँ पे क्या है? -k-1, और उस तरफ क्या है? 0. ठीक है. दैट इज इक्वल टू d1 + d2, 4k+6 + 4. ठीक है. यहाँ से इस कंडीशन को यूज करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? k की, विच इज इक्वल टू 3/2. पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन दीज कॉन्स्टेंट्स, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ u, v, w एंड d. u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/2, v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, w की वैल्यू आ जाएगी -5/2 एंड d की वैल्यू आ जाएगी 12. ठीक है. पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0. यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सफियर. क्या निकल जाएगी? x² + y² + z² + 7x + 10y - 5z + 12 = 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सफियर. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3. इट सेज टू सफियर्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 कट ऑर्थोगोनली. प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल is R1 R2 upon square root of R1 square + R2 square. ठीक है. दो सफियर्स हैं, दे आर कटिंग ऑर्थोगोनली एंड वी आर टू शो दैट देयर रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल इज दिस. ठीक है. हाँ जी, हमें पता है कि जब दो सफियर आपस में कट करते हैं तो एक सर्कल भी, अगर उनके टेंजेंट प्लेन को कंसिडर करें, ठीक है, प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक सफियर और एक प्लेन बना के क्या बनाता है? एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ.
तो एक कॉमन सर्कल बनता है, तो हमने इस कॉमन सर्कल का जो रेडियस है वो क्या प्रूव करना है इसके बराबर, ठीक है। सो ये जो सॉल्यूशन है इट इज समवट ट्रिकी, ठीक है। हाँ जी, सो लेट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट द इक्वेशन ऑफ कॉमन सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू जीरो मीन सर्कल सिंपलेस्ट सर्कल इन एक्स वाई प्लेन वी आर टेकिंग, ठीक है। सो ये जो सर्कल है दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सफियर ऑफ सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सफियर एंड ए प्लेन, किस किस सफियर किस स्फीयर किस प्लेन का। दिस सर्कल कैन बी रिगार्डेड एज इंटरसेक्शन ऑफ द सफियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक सफियर और एक प्लेन बना के क्या बनाते हैं, एक सर्कल, और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, यही वाला सर्कल, राइट। हाँ जी, अब हमें पता है ये जो सर्कल है विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सफियर एंड सर्कल, वी आर गिवन दिस सर्कल जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। वी नो द सर्कल थ्रू दिस द सफियर थ्रू दिस सर्कल, इक्वेशन ऑफ सफियर थ्रू दिस सर्कल स्टार, दिस इज सपोज स्टार, इट इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के वन टाइम्स जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। अनदर इक्वेशन सफियर थ्रू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के टू टाइम्स जेड, सो वी हैव कंसिडर्ड टू सफियर थ्रू दिस सर्कल, ठीक है। ये जो दो सफियर हमें दे रखे हैं उनके बारे में हमें पता है कि एक का रेडियस है आर वन और एक का रेडियस है आर टू एंड दीज टू आर कटिंग ऑर्थोगोनली, ठीक है। सो आर वन कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। व्हाट इज यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इज जीरो, वी स्क्वायर इज जीरो, डब्ल्यू स्क्वायर इज के वन स्क्वायर अपॉन फोर माइनस टी, माइनस टी मतलब प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आर टू यू स्क्वायर जीरो, वी स्क्वायर जीरो, डब्ल्यू स्क्वायर इज के टू स्क्वायर बाई फोर प्लस डी माइनस डी विच इज माइनस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास निकला आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू के वन स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ए स्क्वायर, आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू के टू स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, हमने यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और एक कंडीशन दी गई है कि दीज टू सफियर्स आर कटिंग दीज, ये जो दो सफियर्स हैं दे आर कटिंग ऑर्थोगोनली, तो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन से हमारे पास आ जाएगा के वन स्क्वायर के टू स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यूजिंग दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन यू कैन इलिमिनेट के वन स्क्वायर एंड के टू स्क्वायर, एंड व्हेन यू इलिमिनेट दोज यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, दैट इज ए विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर आर वन आर टू रह जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट लग जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर का, राइट। सो रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल विच वी अज्यूम टू बी ए इज नाउ इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, देयरफॉर व्हेन द टू सफियर्स ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू कट ऑर्थोगोनली देन रेडियस ऑफ देयर कॉमन सर्कल इज गिवन बाय दिस थिंग, राइट। थैंक यू।